जब ज्वाइंट इंस्पेक्शन करता है सिग्नल और इंजीनियरिंग वाला, मेंटेनर के लिए, इंस्पेक्टर के लिए, जो भी करिए, तो हमको क्या क्या चीज़ देखना है? सबका मकसद तो एक ही है कि हमारा पॉइंट फेल नहीं हो, और कोई मकसद तो है नहीं। तो सबसे पहला चीज़ दो, तो जब इंजीनियरिंग और SNT हमारा पॉइंट एंड क्रॉसिंग विथ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से कौन करेगा? सिग्नल वाला करेगा। तो इंजीनियरिंग का कुछ आइटम है और कुछ आइटम सिग्नल का है, दोनों देखना है। इंजीनियरिंग आइटम में हम लोग क्या क्या देखते हैं? सबसे पहला चीज कंडीशन ऑफ टंग रेल। कंडीशन ऑफ टंग रेल में टंग रेल चिप्ड अप नहीं हो, क्रैक नहीं हो, ट्विस्टेड नहीं हो, बेंट नहीं हो, ये सब चीज हमको देख, जो फिजिकली दिख जाते, जैसे आपके ये वाला टंग रेल देखिए दिखा हुआ है, हल्का ऊपर टूट गया है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, यानी चिप्ड अप बेंट रेल है, इसको इमीडिएट हमको चेंज कराना है। होगा क्या? पॉइंट तो आपका सट जाएगा, मे बी लॉक भी आ जाए, और यहाँ मुंह पे गैप है, चक्का का फ्लेंज घुसेगा, फाड़ते हुए चला जाएगा एक्सीडेंट। तो इंजीनियरिंग के साथ हम लोग को चेक करने में सबसे पहले देखा जाता है कि रेल जो है चिप्ड अप हो कि नहीं हो। चिप्ड अप का डेफिनेशन है वो अभी नहीं बताएंगे आप लोग को, लंबा है वो वाला जो टूट जाता है सर टांग, तो उसे कितने एमएम दूरी पे दूरी तक चलता है? हाँ, वो तो फिर तब आप पूछ ही लिए। जनरली जो बोला जाता है 200 स्क्वायर एमएम जो है बोला जाता है कि अगर कंटिन्यूअस है, यानी 10 mm गड्ढा, ठीक है, और 20 mm लंबा, अगर कंटिन्यूअस चिप्ड अप है तो इसको हम चिप्ड अप रेल मानते हैं। 10 हल्का सा कहीं पे 10 mm आ गया उसको नहीं मानते हैं। 10 mm गड्ढा और 20 mm का डेप्थ, अगर लंबाई का, अगर कंटिन्यूअस वाला है तो इसको हम लोग चिप्ड अप रेल मानते हैं। अगर इसका 2 mm है, जो फ्लेंज है टंग रेल का, जो ये क्या बोलते हैं आपका टो है ऊपर वाला पोर्शन, इसके ये बोलता है 2 mm से अगर बिलो चला गया, पतला हो गया, तो इसको हम लोग थिक रेल, थिन रेल, नाइफ एज जिसको बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट बोलते हैं। और अब नाइफ एज रेल होने लगा, दैट मीन्स कि आपको वो भी चेंज कर रहा है। तो ये सब चीज देखा, नाइफ एज देखा जाता है, चिप्ड अप रेल देखा जाता है, ठीक है। अच्छा, ट्विस्टेड बेंट, यानी हल्का ट्विस्ट हो गया आपका, जैसे कि यहाँ पे सट गया है, जिसको बोलते हैं पेट पे सटना, मुंह पे फैल गया, यानी कि टंगरेल ही बेंट हो गया था। एडजस्टमेंट तो अलग चीज है, अगर टंगरेल ही बेंट हो गया तो ये सब चीज फिजिकली देखा जाता है। तीसरा चीज है स्क्वायरनेस। स्क्वायरनेस किसको बोलते हैं? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर दोनों टंगरेल स्लीपर पे जो हमारा सटा हुआ है, तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये वाला स्लीपर है, मान लीजिए डॉटेड लाइन है, ये ऐसे स्लीपर है, इसको कर दीजिए, तो ये स्लीपर के ऊपर जो टंगरेल लहेगा, तो टंगरेल का दोनों टोप वाला पोर्शन एक सीधा में है कि नहीं? ये लाइन खींचा मतलब एक सीधा में है, ये ठीक है, लेकिन नीचे वाला में देखिए, एक वाला एक आगे भाग गया है, दूसरा वाला पीछे टाल लिया है, इसको अनस्क्वायर या अनिभन बोलते हैं। ये हमारा फेल्योर का घर है, क्योंकि हमारा रॉड तो सीधा है ना पॉइंट में, तो अगर ये भागने से क्या होगा कि इसका रॉडिंग सीधा चलेगा, इसका रॉडिंग खींच लेगा प्रेशर, तो पॉइंट का जो स्लाइड है आपका, उसके ऊपर एबनॉर्मल प्रेशर आ जाएगा। एबनॉर्मल प्रेशर आएगा तो ना तो इंडिकेशन प्रॉपर आएगा, ना तो लॉक एडजस्ट होगा प्रॉपर। इसलिए बोला जाता है कि दोनों टंगरेल का स्क्वायरनेस प्रॉपर है कि नहीं है। मतलब स्लीपर में जनरली फिजिकली देखना है तो चेयर प्लेट का बीचों बीच है कि नहीं है, ये जो टंगरेल रहता किस पे, चेयर प्लेट पे है, तो चेयर प्लेट का बीचों बीच पे टो है कि नहीं है, ये स्क्वायरनेस देखा जाता है। नॉर्मली रहता है, बहुत जगह नहीं भी रहता है, ठीक है। कंडीशन ऑफ स्टॉक रेल। स्टॉक रेल तो सबको पता है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम नहीं होना है, बर नहीं होना है, बर यानी कि बाबरी जिसको आप लोग बोलते हैं, बाबरी नहीं होना है। अच्छा, दूसरा चीज क्या है कि स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच का जो हाउसिंग है वो नॉर्मली प्रॉपर होना कि नहीं, आगे बताएंगे। जनरली बोला जाता है सिक्स स्लीपर के आसपास का हाउसिंग होना है, बट IRPWM जो है इंजीनियरिंग का, वो बोलता है सिक्स स्लीपर हम जब 1 in 12 पॉइंट है, समझते होंगे 1 in 12, संसारी दा तो खूब समझते होंगे, 1 in 12 मतलब 12 मीटर लंबा रेल में अगर 1 मीटर का डिफरेंस आता है तो उसको 1 in 12 बोलते हैं, और 1 in 8.5 मीटर दूरी जाने पे टंग स्टॉक के बीच में 1 मीटर का डिफरेंस आता है। तो जो 1 in 12 रेल है उसमें 6 स्लीपर ही लोग बोलता है, और 1 in 8.5 में जो भोजुरी में मैक्सिमम पॉइंट है, मिनिमम 3 स्लीपर रहना है, 3 से अधिक हो गया तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये उसका IRPWM होता है, इंडियन रेलवे PVA मैनुअल, जो PVA का मैनुअल है उसके आधार पे चलता है, ठीक है। ओपनिंग ऑफ द स्विच, इसको लेके बहुत चलता है कहानी, लेकिन इसके पहले बहुत सारे चीज थे, पहले मैकेनिकल था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल था। अभी जो ओपनिंग ऑफ द स्विच का आपके पास है, ये 115 mm सेंट्रल है, प्लस माइनस 3,
यानी 112 से 118, 112 से 118 ये हमारा ओपनिंग रहना है। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है, बट अगर IRPWM के हिसाब से पढ़िएगा तो उसमें फिर बहुत सारे अलग अलग है, वो प्लस 6 भी है, माइनस 4 भी है, कर्व है। तो हमको होता है एक नॉर्मल स्टैंडर्ड जो सिग्नल के हिसाब से मेरा 115 mm के आसपास ला कर रख देना है। और स्ट्रोक जो होता है मोटर पॉइंट में, जो आपका थ्रो रोड है, थ्रो रोड का मैक्सिमम जो चलने का कैपेसिटी है वो 143 mm। तो यहाँ पे एक रीजन है, हम 115 ही काहे रखते हैं, तो शायद आप लोग तो पढ़े ही होंगे, फिर भी थोड़ा सा इधर कहीं हम नहीं रखें, लिख के यहीं पे बता दें। जो हमारा 143 mm है ना, 140 का हिसाब कैसा है, 115 मान लीजिए आपका ओपनिंग हो गया, ठीक है। लॉक अनलॉक जो करते हैं, आइडियल स्ट्रोक नहीं, वो 3 mm अलग है, लॉक अनलॉक जो गुल्ली घूमता है वहां पे वो 25 mm है। जो लॉक अनलॉक में स्लाइड चलता है ना, वो स्लाइड चलाने के लिए जो थ्रो है वो 25 mm है। तो 115 और 25 कितना हो गया, 140। 3 mm जो है वो आपका आइडियल स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, जिसको आप मेंटेन कर सकते हैं कि थोड़ा प्रेशर अधिक बना कम बना, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, वो 3 mm है। इसको जोड़ के आपका हो जाता है 143 mm, और टोटल स्ट्रोक 143 mm है। तीसरा चीज जो हम लोग चेक करते हैं वो है स्ट्रेचर बार। स्ट्रेचर बार में चेक करने के लिए बेहतर बहुत अधिक कुछ नहीं है, उसमें दो चीज़ देखते हैं, वर्न आउट नहीं रहना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहना है, उसका जो इंसुलेशन वगैरह है वो प्रॉपर रहना है, और जो एक चीज़ उसका सबसे इंपॉर्टेंट है देखने का, वो देखने की चीज़ें हैं, हाँ ये देखिए, ये आपका स्ट्रेचर बार है बॉटम में, और ये आपका टंगरेल स्टॉक रेल है, इसका फ्लेंज, इसका फ्लेंज और ये जो स्ट्रेचर बार है इसके बीच में 1.5 से 3 mm का डिफरेंस मस्ट है, होना ही होना है, ये आपको रखना पड़ेगा। ऐसे अभी नया वाला ऐप IRPWM पढ़ रहे थे, उसमें शायद 1.5 से 6 भी कर दिया है कहीं कहीं, हाँ नहीं उसमें वही किया है, IRPWM में वही किया है, 1.5 से 6 किया है। तो 1.5 से 3 देने का रीजन क्या है कि ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, क्या 1.5 से 4, 5, 6 होने पर क्या दिक्कत, इसमें क्या दिक्कत है, और तो फिर ये चलेगा, दिक्कत है 1.5 से कम होगा तो क्या होगा, हो सकता है ये स्ट्रेचर बार आपका रेल से रगड़े, पॉइंट को चलने नहीं दे। अधिक होगा तो क्या होगा, मान लिया जाए आपका लूज पैकिंग है, थोड़ा सा पैकिंग कम है, तो जब ओवरलोडेड गाड़ी जाती है तो क्या होगा, टंग स्टॉक मूव होगा ऊपर, लेटरल मूवमेंट आएगा। तो इसमें अगर आपका टंग रेल और रेल और स्ट्रेचर बार के बीच मूवमेंट अधिक है तो क्या होगा कि टंग रेल ज्यादा चलेगा और स्टॉक रेल कम ही लेगा, जगह मिल जाएगा ना ज्यादा हिलने का, और कम गैप है तो क्या होगा, अगर उठेगा भी तो दोनों साथ उठेगा साथ गिरेगा। तो अगर आपका स्टॉक रेल और टंग रेल का मूवमेंट अलग अलग हो जाता है तो रेल टूटने की चांसेस बढ़ जाते हैं, उस पर तो लोड है, ऊपर नीचे अलग अलग हो रहा है, 5 mm 10 mm का ऐसे मूवमेंट हो रहा है, तो उसमें क्या होगा कि लोड से रेल भी टूटने का चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा आपका जो गुल्ली है, रोलर है, वो तो टंग रेल पर निर्भर है, वो भी ऊपर नीचे करेगा, पॉइंट अंडर फ्लैशिंग शुरू हो जाएगा, वो भी दिक्कत है। तो ये सब सारी चीज़ें समस्या आती है, इसलिए बोला जाता है इसको 1.5 से 3 के बीच में मेंटेन करके रखिए। स्लीपर देखना है, ये भी आसान सा चीज़ है, स्लीपर में कुछ नहीं है, वर्न आउट स्लीपर नहीं रहना है, 2 स्लीपर के बीच में जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस है वो रहना है, अच्छा हिल ब्लॉक का स्लीपर भी प्रॉपर रहना है। जो एक चीज़ और है जो आपको जानना जरूरी है, जहाँ पे मोटर बैठाते हैं वो स्लीपर नंबर कितना होता है, 3-4, जहाँ पे मोटर बैठाते हैं वो स्लीपर नंबर है 3 और 4। IRS मोटर पॉइंट जो है, जो 143 जिसका स्ट्रोक है, 143 स्ट्रोक में 3 और 4 के बीच का जो जिस पे मोटर बैठाएगा जो सेंटर का डिस्टेंस होगा वो होगा 685 mm। वर्क नहीं तो कहीं 710 मिलेगा, 690 मिलेगा, वो कर लेकिन स्टैंडर्ड 685 है, 685। और जो अभी हम लोग के यहाँ नहीं लगा है, मेन लाइन में लगने वाला है, 220 mm वाला मोटर पॉइंट आएगा, हाई थ्रस्ट, उस मोटर पॉइंट का टंग स्टॉक अलग, मतलब दोनों टंग अपना अलग अलग चलता है, पहले एक फिर दूसरा, उसका ओपनिंग भी 220 mm होता है, हाँ वही क्लैंप मीटर जिसको क्लैंप पॉइंट बोलते हैं, उसका 3 और 4 के बीच का जो डिस्टेंस है वो 745 mm, उस पर सिंगल स्टेच, उस पर सिंगल स्ट्रेचर बार नहीं, सिर्फ एक SSD रहता है, स्ट्रेचर बार खाली पहला वाला रहता है, दोनों टंग अलग अलग चलता है, दोनों स्ट्रेचर बार आपस में कनेक्टेड नहीं रहता है। जो मोटर पॉइंट हम बैठाते हैं, अभी तो एक्चुअली अब ये सब चीज़ का जरूरत इसलिए नहीं पड़ता है कि आपका सब चीज़ प्री प्लांट करके आ रहा है, कि टंग रेल से, स्टॉक रेल से जो मोटर पॉइंट का सेंटर होगा वो कितना दूरी पे होगा। तो IRS 1 जो 143 mm लीजिएगा वो 1050 mm की दूरी पे होता है,
ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेल से पॉइंट का सेंटर यानी जो पॉइंट हम बैठा है उसके बीच का दूरी रेल से 1050 एमएम होता है, जिसको हम लोग नहीं देखते हैं जनरली, वो ज्वाइंट इंस्पेक्शन के टाइम देखा जाता है। ब्लास्ट ऐसा नहीं कि घर में ढलाई करने वाला गिट्टी ला के डाल दिया, इंजीनियरिंग वालों के लिए ब्लास्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसका एएन लेवल में मतलब जिम्मेदारी होती है, इंस्पेक्शन एएन लेवल करता है कि उसका जो ब्लास्ट का साइज है वो 50 mm से अधिक का होना मस्ट है, 50 mm का चिप्स या उससे अधिक होना चाहिए, छोटा मतलब छर्री नहीं होना चाहिए, छोटा गिट्टी, ठीक है। और दूसरा जो हमारे लिए देखने का चीज है कि जो स्टॉक रेल है और ब्लास्ट है दोनों के बीच का गैप 50 mm मेंटेन कराना है, ठीक है, ये कराना है, ये रीजन है। तो इसमें दो फायदा आएंगे, एक तो हमारा जो पॉइंट का ऑपरेशन है वो स्मूथ होगा, और दूसरा बरसात के टाइम में ट्रैक सर्किट फेल होने की चांसेस नहीं के बराबर रहती। नहीं, नॉट ओनली फॉर ट्रैक सर्किट, ये ट्रैक सर्किट में तो हमको इफेक्ट करता है इसलिए उसके लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर उसके लिए, हम इंपॉर्टेंट इसके लिए भी है कि अगर मान लिया जाए रेल का बॉटम तक ये ब्लास्ट भर देगा, पैक कर देगा, तो रेल को जब ये मूवमेंट करने का जगह नहीं मिलेगा तो रेल टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मेन इंपॉर्टेंट वहां है कि जब हमारा वो लोडेड गाड़ी हैवी गोड़ 160 में जाएगी तो लेटरल मूवमेंट तो आएगा ना ऊपर नीचे का, तो उस मूवमेंट में अगर आप गिट्टी पूरा पैक कर दिए तो जा नहीं पाएगा तो क्या होगा, टूटेगा। इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए वो रबड़ पैड ये सब लगा के उसका प्रेशर कम हो, वो तो 8वीं क्लास में ना कि प्रेशर हमको कैसे कम करना है, वो सब प्रेशर कम करने का है। तीसरा चीज आपको देखना है ड्रेनेज, हमारा जिस ट्रैक सर्किट एरिया जोन है या पॉइंट जोन है यार्ड है, ड्रेनेज प्रॉपर होना रहता है। और जो एक चीज है हाउसिंग ऑफ द टंगरेल विथ स्टॉक रेल, ये पहले भी हम लोग देख लिए, इसे बहुत सारे चीज है कहाँ तक हाउसिंग होना है, क्या होना है, 220 mm में कितना होना है, 143 में क्या है। तो नॉर्मली अगर 1:12 आपका पॉइंट है तो 1:12 में आपका 6 स्लीपर तक देखना है, और 1:30 में 3 से 4 स्लीपर हमको मिलना चाहिए। एक चीज जो नहीं जानते और नहीं देखा जाता, दैट इज द क्रॉस लेवल। गेज तो मालूम है, गेज देखा जाता है टो पोर्शन पे, जो टो पोर्शन है उससे 150 mm आगे, जो हमारा रेल का टो पोर्शन है, ये रेल है, रेल का जो टो पोर्शन है, टो पोर्शन से 150 mm पहले, ATS जिसको बोलते हैं, ATS के 150 mm पहले यहाँ पे हम गेज लेते हैं। क्या है कि अगर यहीं पे गेज गड़बड़ है तो यहाँ पर तो गड़बड़ होगा, चक्का डिरेलमेंट होगा ही होगा, तो हम 150 टंग टो से ATS के पहले से ही हम गेज उसका मेंटेन, ये इसका रेंज है प्लस माइनस 3 1676 प्लस माइनस 3, इसको हम लोग देखते हैं कि ये मेरा मेंटेन होना चाहिए, प्लस हो गया तो लूज गेज, माइनस हो गया तो टाइट गेज, दोनों को मेंटेन करता है। और क्रॉस लेवल है वो पता नहीं ये लोग देखे होंगे कि नहीं, या देखते हैं PWI लोग जनरली देखते हैं कि हमारा दोनों जो टंग रेल है ना स्टॉक रेल, दोनों का जो हाइट है, जनरली क्रॉस लेवल कर्व में देखा जाता है, दोनों पैरेलल हाइट में है कि नहीं, तो क्या होगा, एक चक्का नीचे एक चक्का ऊपर होगा, तो जहां पे कर्व आएंगे तो वहां पे स्पीड रिस्ट्रिक्शन देना पड़ेगा, 160 के स्पीड में अगर एक चक्का नीचे एक चक्का ऊपर होगा तो क्या होगा, चांसेस हैं मूवमेंट बढ़ जाएगा, लेटरल मूवमेंट, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए क्या करता है कि वो क्रॉस लेवल नापता है धागा से कि दोनों साइड का कहां पे क्रॉस लेवल कितना है, उसका भी लोग का रेंज है 6 mm 4 mm कहां कितना होना चाहिए, यहां पे क्रॉस लेवल लेगा, यहां लेगा, यहां लेगा, यहां लेगा, उसको एवरेज करेगा कि नहीं हमारा जो मूवमेंट अगर अधिक हो गया तो फिर स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगा देगा कि नहीं इसमें यहां इससे ज्यादा स्पीड नहीं जाना है, तो ये भी चेक करना रहता है। स्विच का फिटिंग चेक करना है, हिल ब्लॉक बोल्ट वगैरह करना है, ये चीज तो थे इंजीनियरिंग का जो हमको मेंटेनेंस के लिए देखना है।